अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक और हेल्दी मील लेके आई, वेजिटेबल है और वेजिटेबल एंड मीट पाई। इसमें पोटैटो हैं, जुकीनी है और कीमा मैंने लिया है। आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, मैंने बीफ का कीमा लिया है। और मैं इसकी रेसिपी, मेरे पास कुक्ड है, आपको मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ। और इसके अलावा मेरे पास हैं स्लाइस्ड टमाटो, जो आलू थे मैंने उनको बॉयल किया है, फुली बॉयल नहीं किया, हल्का सा उसमें रहने दिया है, तकरीबन 75-80% बॉयल किया मैंने। जुकीनी जो है वो कच्ची है, आलू का कुकिंग टाइम क्योंकि ज़्यादा होता है जुकीनी से, इसलिए मुझे इसको बॉयल करना पड़ा। और मिल्क है 2 कप्स, 2 कप्स मैं फ्लावर लूँगी, इसमें डालूँगी, जैसे मैं ऐड करती जाऊँगी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। सॉल्ट पेपर है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, 1 अंडा जाएगा और थोड़ा सा ये डिल है, अगर नहीं हो तो आप इसको स्किप करके कुछ और धनिया वगैरह डाल सकते हैं। और 2 जवे मैंने लिए थे गार्लिक के, इसको मैंने क्रश कर लिया। इसके अलावा 3 जो टमाटर हैं मेरे पास, इसको मैंने स्किन इनकी इसकी उतार लिए और इसको अब मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं साथ साथ आपको अब बताती जाऊँगी। सबसे पहले मैं जो है ये मिल्क तैयार कर लेती हूँ। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी, ये है क्रश्ड गार्लिक और डिल, सोया जो होता है इसको चॉप हल्का बारीक काट लिए। और इसके अलावा इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी, तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि सीजनिंग जो है वो उसमें कीमे में भी है। कीमा जो पाए बनाए बनाई थी और मैंने आपको सिखाया, उसमें बिल्कुल ये बेसिक जो है वो है उसका प्रोसीजर। ये 1 चम्मच टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और इसके अलावा 1 अंडा इसमें जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर ये तैयार हो गया और प्यूरी भी रेडी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ओलिव ऑयल डालूंगी। ये मैंने डिश लिया इस तरह की, आप राउंड या ओवल जैसी भी आपके पास है वो आप डिश ले लें और उसमें इस तरीके से आपने अरेंज करना है। ये पहले आप सॉस डालेंगे जो प्यूरी बनाई है, इसको अच्छे से फैला के डालूंगी। ये 1.5 टेबलस्पून मैंने फ्लावर भी डाला है इसके अंदर, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से फैला लें डिश में। ये मिक्स कर लें ताकि जो मैदा हमने डाला है उसके लम्स जो है वो अच्छे से निकल जाएं। ये मैं सिर्फ पोटैटो जो है वो अरेंज कर रही हूँ इसमें। इस डिश एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम कीमा डालेंगे।
अरेंजमेंट हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम ये थोड़ा थोड़ा जो मिक्सचर है ये आहिस्ता आहिस्ता पोर करेंगे। बस इतना हमारी डिश में आ जाए। इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों में थोड़ा डाल रही और इसके बाद हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट या 25 मिनट या जब तक ये बेक हो जाए, कुक हो जाए ये। ओवन को मैंने तकरीबन 200 डिग्रीज पे प्री हीट किया है और मैं इसको बेक करूंगी अब, और बेक करके फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगी। बस ये बेकिंग के लिए अब जा रहे हैं और बेकिंग के हमारी पोटैटो और जुकीनी पाई जो है वो रेडी है, तो मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। देखने में ये बहुत अच्छी लग रही है। ये कंप्लीट मील है, इसके साथ किसी और चीज़ की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत पड़ेगी। जुकीनी जो है वो क्रिस्प है। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। जो लोग कम स्पाइसेस खाते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये, और अगर स्पाइसेस ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस तरह की डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर अपने घर में बनाएं और ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।